नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो इंडियन ऐप डेवलपर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ, ओके, ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, किसी भी तरीके की फील्ड में हो, ओके, तो वो चीज़ आप बहुत ही फटाफट चुटकियों में सीख जाएंगे। ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ और ये सीक्रेट मैंने फॉलो किया है और मेरे हिसाब से जितने भी सक्सेसफुल डेवलपर्स हैं उन सब ने फॉलो किया है। क्या है वो सीक्रेट जो कि हर एक सक्सेसफुल डेवलपर जानता है, हर वो व्यक्ति जानता है जिसने डेवलपमेंट सीखा है, कोडिंग सीखा है, प्रोग्रामिंग सीखा है और जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल डेवलपर बन पाया है। क्या है वो सीक्रेट, लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिए, बहुत ही काम की होने वाली वीडियो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो एक सीक्रेट है, एक मूल मंत्र है किसी भी तरीके की, मतलब प्रोग्रामिंग, कोडिंग, कुछ भी चीज़ आप सीख रहे हो उस पर महारत हासिल करने का, वो है लर्न एवरी डे। जी हाँ दोस्तों, हर दिन सीखो, हर दिन कोड करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, तो आपको केवल एक मंत्र याद रखना है, एक सीक्रेट है कि हर दिन कोड करो, हर दिन कुछ ना कुछ कोड करो, कुछ ना कुछ सीखो और कुछ ना कुछ कोड करो। अगर आप कुछ नया सीख नहीं पा रहे हो तो फिर भी आप कुछ ना कुछ तो आपको कोडिंग करनी है, आपको कोडिंग जरूर से करनी है। क्यों करनी है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, होता क्या है, जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, अगर आपने एक हफ्ते सीखा फिर एक हफ्ते अगर आपने गैप कर दिया तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे। जब एक हफ्ते बाद फिर से आप जब सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले पुरानी नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर आगे की चीज़ें आप सीखेंगे, जिससे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, आप एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद भी वही लेवल पर हैं। जब आप डेली कोडिंग करते हैं, डेली जब कोडिंग करते हैं तो आपको नई नई समस्याएं आती हैं, फिर आप उसका हल निकालते हैं। अब डेली कोडिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही कोड डेली लिखते रहोगे, डेली आप कोडिंग कर रहे हैं तो किसी प्रोजेक्ट पे कोडिंग करेंगे, किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे कुछ ना कुछ आप बनाते रहेंगे, तब कोडिंग करेंगे आप, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। मुझे नहीं याद है कि मैं तकरीबन चार साल से मैं ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूँ। पहले तो मैंने सीखा, फिर उसके बाद ऐप डेवलपमेंट करने लगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी दिन मिस किया होगा। हाँ, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि मुझे 5-6 दिन की गैपिंग भी हो जाती है मेरी, लेकिन अगर कोई रीज़न नहीं है तो ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने कोई कोडिंग नहीं किया हो, कोई कोड ना लिखा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, समटाइम मैं दूसरे काम भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोडिंग ज़रूर करता हूँ। लेकिन कोडिंग इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे मतलब सीखना है, कि मतलब नहीं सीखूंगा, नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा, एक मतलब एक वो चस्का रहता है ना, चस्का लग जाता है, मतलब एक नशा, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। तो यही जब आपको नशा हो जाएगा कि मतलब हाँ डेली आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, कुछ ना कुछ कोड करना ही, कुछ ना कुछ करना ही, मतलब तो भाई आप सीखने को क्या, मतलब बहुत ही फटाक से सीख जाओगे और सीखने के बाद अपने आप को इम्प्रूव भी अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि ये जो इंडस्ट्री है कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, इसमें कोई एंड नहीं है, मतलब जितना सीखो उतना ही कम है। तो क्यों ना हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखें, हर दिन कुछ ना कुछ कोड करें। जब आप डेली कोड करते हो, डेली आपका माइंड जो रहता है वो बैठ जाता है। जब आप शुरू में सीखते हो तो आपको कुछ चीज़ें हो सकता है याद रखनी पड़ती हो, कुछ चीज़ें आप भूलते हैं, तो फिर आप उसको करते हैं। तो यही अगर आप बीच में गैप दे देते हो तो वो पीरियड ज़्यादा हो जाता है, फिर आप जो पिछला याद कर रहे होते हो वो भूल जाते हो। लेकिन जब आप डेली कोड करते हो, डेली कोड करने से होता है कि आपको पिछली चीज़ें तो याद रहती हैं, डेली आप नई नई चीज़ें भी याद करते, मतलब कोड करते हो तो सीखते जाते हो, जिससे आपको मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, मतलब आप भूलोगे ही नहीं, वो सारी चीज़ें भूलोगे ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाती है। तो एक अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप सीखना चाहते हो या फिर आप सीखने की सोच रहे हो, तो एक मंत्र याद रखना, आपको डेली 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 आपको कुछ ना कुछ कोड लिखना है। जहाँ तक हो सके आप डेली लिखो, भले ही आप 10 मिनट के लिए ऑन करो और सारी चीज़ें देखो, लेकिन आप डेली एक रूटीन बना लो कि आपको डेली करना है। ये कोई एक पार्ट टाइम नहीं है, लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम करो, लेकिन पार्ट टाइम भी करो, 1-2 घंटा करो, लेकिन डेली करो। अगर आप सोचोगे कि मैं बीच में 1-2 महीना क्विट कर दूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा, और ऐसा करोगे तो आप पिछली चीज़ें भूल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यही फैक्ट है और ये मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो ये एक सीक्रेट है, ये चीज़ अगर आपने आजमा लिया तो आपको अच्छा डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस दोस्तों, ये एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरी एक पर्सनल टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, गुड डे एंड टेक केयर।